The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar dosto. So aaj aap logo ka swagat hai ek baar phir डॉक्टर एजुकेशन में. यहाँ पर हैं डॉक्टर परमजीत, आपको समझाते हैं कि बीमारियाँ कैसे होती. आज हम बात करेंगे खांसी पे. जी हाँ, आज कल के टाइम पे ऑलमोस्ट हर एक को खांसी हो रही है, दिक्कत हो रही है. और आज हम बात करेंगे कि खांसी ड्राई है, वेट है, बलगम वाली है या कभी कभी है, तो इन सब का क्या मतलब होता है और कैसी खांसी के लिए आपको डरना चाहिए, किस खांसी के लिए नहीं डरना चाहिए और कौन सी खांसी डेंजरस इन्फेक्शन हो सकता है, कौन सा नहीं. बातचीत करेंगे हम खांसी के ऊपर, बने रहिए. सो देखिए, खांसी कफ बेसिकली आपके बॉडी का रिस्पॉन्स है एक इननेट इम्यूनिटी का. मैंने ऑलरेडी इम्यूनिटी वाले सेक्शन में आपको बताया है, बॉडीज वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ इरिटेंट. जब भी कोई चीज़ आपके गले में, आपकी सांस की नली में जाती है, इरिटेट करती है, तो आपकी बॉडी खांसी पैदा करती है. समथिंग विच इरिटेट्स योर थ्रोट और एयरवे, गला या सांस की नली दोनों को ही. अगर गले को, थ्रोट को भी कोई इरिटेट करेगा तो भी खांसी आएगी, एयरवे में जाएगा तब तो भाई साहब फक फक इतनी खांसी आएगी पूछो मत, दैट इज देयर. और इसमें क्या है, अगर जब भी ऐसा कोई इरिटेट होता है तो आपका नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन का के पास सिग्नल जाता है इरिटेशन हो रहा है और वो सिग्नल करेगा खांसी के लिए, रिस्पॉन्ड करेगा बाय टेलिंग योर मसल्स ऑफ द नेक, चेस्ट और एब्डोमेन, पूरी नेक चेस्ट मसल बर्स्ट ऑफ एयर निकालिए, खांसी फेंकिए, ताकि जो भी इरिटेटिंग है, जो भी अटका हुआ है, जो भी फॉरेन बॉडी है, मटेरियल है, वो बाहर निकल जाए. सो दैट्स द एक्चुअल रीजन व्हाई यू गेट अ कफ. एक चीज क्लियर होगी, खांसी आपका दोस्त है, आपका मैकेनिज्म है, खांसी आना बुरी बात नहीं है. मगर कभी कभी ये खांसी नहीं ठीक हो पाती, एक डिफेंस मैकेनिज्म, एक डिफेंस रिफ्लेक्स बार बार होना दिक्कत दे जाता है. और इसी के साथ दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म है आपके अंदर जिसका नाम है म्यूकस. जी हाँ, देखिए बॉडी के अंदर पूरा का पूरा ये म्यूकस यानी कि बलगम यानी कि स्पूटम ये नॉर्मली भी प्रेजेंट होता है, थिन लेयर होती है. म्यूकस बहुत ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम कर सकता है, ओवर प्रोडक्शन या गाढ़ा म्यूकस हो जाए तो प्रॉब्लम कर सकता है, अगर धुआं चले जाए तो प्रॉब्लम कर सकता है. धुआं एक तरीके का इरिटेंट भी है और एलर्जीज, किसी भी प्रकार की एलर्जी एक तरीके का इरिटेंट है, जैसे कि डस्ट होगी, मोल्ड होगी, पोलन एलर्जी होगी, ये सब. और खांसी जो है ये इन्फेक्शन में भी होती, जब एक इन्फेक्शन है वहाँ पर किसी प्रकार का बैक्टीरिया या कोई वायरस आपके शरीर के अंदर आपके गले में जा चुका है तो उसके वजह से भी खांसी हो सकती है. इट कैन बी अ सिम्टम ऑफ मैनी इलनेसेज एंड कंडीशंस, राइट. एंड ये कैसी खांसी है, द कैरेक्टर्स ऑफ द कफ कैन ऑल्सो गिव यू एन आइडिया कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है, ये किस प्रकार का, इसका कारण क्या है, बैकग्राउंड क्या है, राइट. जस्ट लाइक आप किसी को देख के बता सकते हो भाई तुम तो पंजाब से हो, ओके सेफ लाइक दैट. सो कफ को कैसे डिस्क्राइब करोगे, सोच के देखना. मुझे खांसी आ रही है, कैसी खांसी है, कैसी खांसी मतलब उसका पहला तो चीज़ जो डिस्क्राइब होता है उसका बिहेवियर क्या है, आपको एक्सपीरियंस कब होता है. कई लोगों को खांसी होती है सिर्फ और सिर्फ रात में, कईयों को खांसी होती है सिर्फ खाते हुए, कईयों को खांसी होती है सिर्फ एक्सरसाइज करते हुए. सो दैट इज व्हाई एंड व्हेन इट हैपेंस, वॉट इंक्रीजेज इट, वॉट डिक्रीजेज इट, पहला सवाल, पहला वेरिएबल. दूसरा वेरिएबल है कैसा फील होता है, कैरेक्टर कैसा है उसका, कि वो कैसा है, या तो फीलिंग में वेट है या ड्राई है. ड्राई में खाऊं, वेट में क्या होगा, बलगम निकलेगा. दैट फील, हैकिंग फीलिंग या एक्चुअली पूरा खांसी हो रही है, समथिंग लाइक दैट. सो कैरेक्टर उसका कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है. देन द थर्ड वेरी, तीसरा वेरिएबल देखा जाता है ड्यूरेशन. ड्यूरेशन बोले तो कितने दिनों से हो रहा है, राइट. दो हफ्ते से कम है, दो छः हफ्ते से ज़्यादा है, आठ हफ्ते से ज़्यादा है, कितना ड्यूरेशन. ड्यूरेशन पे भी हम बता सकते हैं कि बहुत लंबी खांसी है तो टीबी हो सकता है, दो तीन दिन में ठीक होगा तो टीबी नहीं हो सकता. सिंपल सी बात है कि नहीं, एक सिंपल एग्जाम्पल, बाकी बहुत सारे रीजन है. बाद में उसका इफेक्ट भी देखा जाता है. जी हाँ, क्या खांसी से कोई और इफेक्ट हो रहा है, जैसे खांसी के साथ साथ किसी को वोमिटिंग आ जाती है, खांसी के साथ साथ किसी का पेशाब निकल जाता है. जी हाँ, कफ, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, वो भी होता है. किसी किसी को स्लीपीनेस आ जाता है, डिजीनेस आ जाता है, कफ सिनकोप, जी हाँ ऐसा भी होता है.
ज़्यादा बहुत सारे लोगों ने ये बातें नहीं सुनी होगी, बट मेडिकल फील्ड में ऐसी ऊंची नीची बातें होती रहती है, राइट. सो ग्रेड भी देखा जाता है. ग्रेड मतलब कि थोड़ी बहुत खांसी है या बहुत ही ज़्यादा एनॉइंग, परसिस्टेंट, डिबिलिटेटिंग, अब आप कुछ काम नहीं कर पा रहे, बात ही नहीं कर पा रहे, सांस ही नहीं ले पा रहे, खांसी बहुत तंग कर रही है. सो ग्रेड भी देखा जाता है. ऑल दो ये सारी चीज़ें देखने में सेकंड लगते हैं एक डॉक्टर को, जब आपका आपके आपको आप उनके सामने आते हो कि हाँ भाई ये सीरियस वाला है, ये सिंपल वाला है, ये कोई टेंशन नहीं है, राइट. इसके अलावा खांसी को कई बार अगर एयरवे लिटरली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, लिटरली अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तब भी आ सकती है. अगर आपके छोटे बच्चे ने मान लो कोई चीज़ ऐसी खा ली, कोई नाक में ऐसी चीज़ डाल ली जिससे कि नाक की नली या फिर गले में एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो फिर वो एक सीरियस बात है. वो कभी कभी चोकिंग कर सकता है, और ऐसा कुछ चोकिंग हो तो दिखेगा, और वैसे सिचुएशन में आप बच्चे को लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, मतलब बेहोश होना, नीले कलर का स्किन में नीला रंग आना जिसे हम ब्लूइश स्किन साइनोसिस बोलते हैं, बात नहीं कर पाना, रो नहीं पाना, इनेबिलिटी टू स्पीक और क्राई हो सकता है, वीजिंग यानी सांस में आवाज़ आना हो सकता है, विस्लिंग हो सकता है, विस्लिंग हो सकता है, और ऐसी अदर बहुत सारी ब्रेथ की नॉइजेज होती हैं, वैसी उल्टी सीधी नॉइज आ सकती है. उसके अलावा इनइफेक्टिव कफ या वीक कफ भी हो सकता है कि खांसी प्रॉपर हो ही नहीं पा रही, तो वो भी हो सकता है, और पैनिक भी हो सकता है कि भाई साहब ये क्या हो गया. सो ये सारी चीज़ें होती हैं. कफ एक्चुअली इतने प्रकार की होती है, इतना डिटेल में इवैल्यूएट करना पड़ता है कफ को. इसके अलावा अगर कभी अगर आपको लग रहा है कि किसी के गले में कुछ फंस गया है, तो आपको पता है वो पीछे से पकड़ के करते हैं, उसको क्या नाम, उसको बोलते हैं हेलमिंच मेन्यूवर जिसको, या फिर CPR भी करते हैं अगर पेशेंट बेहोश हो गया, तो वो अलग बात है, वो बात की बात, ठीक है, वो CPR वाले वीडियो में देखने का, ठीक है, उसके लिए सर्च कर सकते हो CPR बाय डॉक्टर एजुकेशन. वेट कफ क्या होता है, ड्राई कफ क्या होता है, ये क्या चीज़ है. सो वेट कफ का मतलब क्या है? सी वेट कफ मतलब एक प्रोडक्टिव कफ, मतलब कफ जो टिपिकली बाहर लेकर आता है म्यूकस, मतलब बलगम बाहर आ रही है, वेट कफ उसको बोलते हैं, वेरी सिंपल. ये ज्यादातर हो सकता है कोल्ड फ्लू के अंदर, तो फिर यहां पर कोल्ड फ्लू के अंदर यहां पर, लेकिन कोरोना वायरस के केस में ड्राई कफ ज्यादा होता है, बताइए. जी हाँ, ज्यादातर केसेस में ऐसा, लेकिन कोरोना वायरस में ड्राई कफ ज्यादा होता है. इसका मतलब ये नहीं वेट कफ नहीं हो सकता, हो भी सकता है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, राइट. नाउ वेट कफ आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ऐसा हो सकता है, स्लोली आ सकता है, जा सकता है, रनिंग नोज हो सकता है, साथ में फटीग हो सकता है, पोस्ट निजल ड्रिप हो सकता है. वेट कफ में बॉडी म्यूकस को बाहर रेस्पिरेटरी ट्रैक से पर्पल्स कर रही है, बाहर फेंक रही है, मतलब उसको ऐसा लगेगा कि आपको लगेगा कि गले में कुछ फंसा है, सांस की नली में कुछ फंसा है, कुछ निकालने की कोशिश हो रही है. यह एक दिक्कत वाली बात है. बच्चों में अगर वेट कफ हो रहा है 3 हफ्ते से छोटा है तो वो एक्यूट है, अगर वो 3 हफ्ते ज्यादा हो गया तो वो फिर मतलब क्रोनिक हो गया, 8 हफ्ते से ज्यादा या 4 हफ्ते से ज्यादा वो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गया, लाइक लंबे ड्यूरेशन का कफ मतलब बहुत बड़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम है. क्या क्या कारण हो सकते हैं वेट कफ के? कोल्ड फ्लू, निमोनिया, COPD जैसे कि एम्फाइसीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, इन सबसे हो सकता है. बच्चों में, छोटे बच्चों में कफ जो होता है वो अगर 3 हफ्ते से कम है तो वो भी कोल्ड फ्लू से हो सकता है. रेमेडीज बच्चों के लिए क्या करना है, उनको बस ह्यूमिडिफायर देना है, नेबुलाइजेशन देना है, स्टीम टाइप नेबुलाइजर ही है, स्टीम सलाइन ड्रॉप्स डालने हैं नाक में, सिंपल OTC मेडिसिन आप ले सकते हैं अपने पेडियाट्रिशियन से पूछ के, वो आपको दे देंगे सिंपल सी दवाइयाँ. छोटे बड़े बच्चे हो जाते हैं तो फिर उनको हनी दे सकते हैं 1 साल से ऊपर, 1.5 चम्मच हनी, हनी बहुत अच्छा काम करता है, जी हाँ. और एडल्ट्स होते हैं तो उनको हनी टस दे सकते हैं, ऐसी कोई ना कोई दवाएं दे सकते हैं, अदरक बहुत अच्छा काम करता है. बाकी दवाइयों, एंटीबायोटिक थेरेपी अगर आपको, अगर डॉक्टर को लग रहा है कि वायरल नहीं बैक्टीरियल है तो दी जाती है. फिर बात आती है भैया ये ड्राई कफ का होता है. ड्राई कफ क्या है? ड्राई कफ मतलब कुछ नहीं आ रहा ऊपर, पूरा खऊं खऊं हो रहा है, टिकलिंग हो रहा है, ऐसा लग रहा है गला सूख गया है, गले में कोई पिपली हीट हो रही है, खुजली हो रही है, कोई अंदर डाल के हाथ से ना कर दो यार कुछ खच खच. सो दैट इज काइंड ऑफ अ ड्राई कफ, वो हैकिंग टाइप ऑफ कफ. दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, राइट. इसमें मतलब बहुत इरिटेशन होती है, बहुत ज्यादा. इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन, वहां पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपका इन्फ्लेम्ड हो रहा है लेकिन म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रहा है. ये होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि फेरेंजाइटिस,
ऊपर के मतलब नीचे लोअर लंग्स के इन्फेक्शन से कम होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से ये ज्यादा होता है। याद रखिए नीचे जब होगा तो ज्यादातर केस में म्यूकस बनता है, म्यूकस बाहर निकालने की कोशिश करती है बॉडी, राइट। सो ड्राई कफ विल बी बिकॉज ऑफ लैरिंजाइटिस, लैरिंग्स, फेरिंग्स, थ्रोट, सोर थ्रोट, क्रूप, टॉन्सिल, साइनोसाइटिस, अस्थमा में भी हो सकता है, एलर्जीज, कभी कभी रिफ्लेक्स, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स, कभी कभी कुछ दवाइयाँ जैसे कि एस इनहिबिटर्स जो बीपी के लिए दी जाती हैं, ऐसी दवाइयाँ, और फिर पोल्यूशन, डस्ट, स्मोक, इनकी इरिटेशन से भी ड्राई कफ हो सकता है। ज्यादातर लोगों को जिसको थ्रोट में ऐसे होता है, दैट कैन बी अ मोस्ट कॉमन पोस्ट नेजल ड्रिप, दैट इज वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन। सो ड्राई कफ हो रहा है बच्चों में तो भी आप सेम चीज करेंगे, कोई खास ट्रीटमेंट नहीं, सेम ह्यूमिडिफायर, सलाइन ड्रॉप्स डालेंगे स्टीम से और ठंडी हवा से, ठंडी खट्टी चीजों से बचाएंगे बच्चों के लिए। बड़े बच्चों के लिए हनी दे सकते हैं, सेम थिंग बड़े बच्चों, और जो अगर आप एडल्ट हो गए हैं तो एंटासिड, और आपको एग्जामिनेशन करवाना होगा थ्रोट का अपने डॉक्टर से जाके। फिर एक चीज होती है पैरोक्सिज्मल कफ या पैरोक्सिज्मल कफ, मतलब कभी कभी आता है, इंटरमिटेंट आता है, बीच में से कभी भी अनकंफर्टेबल कफिंग, दैट कैन बी लाइक बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक वूपिंग कफ भी होता है, वूपिंग कफ इज बिकॉज ऑफ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वो हो सकता है वॉयलेंट कफिंग, राइट, ऐसा लगता है वूफ 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 साउंड आ रहा है, दैट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, राइट। सो दैट इज डिफरेंट, बच्चों को हो सकता है वूपिंग कफ, एंड वूपिंग कफ कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो, तो भाऊ भाऊ करके कफ हो रहा है तो भाई साहब प्लीज गो शो टू अ डॉक्टर। दो महीने के ऊपर बच्चा है और कफ हो रहा है तो फिर याद रखिएगा कफ को अवॉइड करने के लिए वैक्सीन, उनकी पर्ट्यूसिस की वैक्सीन बहुत जरूरी है, वूपिंग कफ इज बिकॉज ऑफ पर्ट्यूसिस। पैरोक्सिज्मल कफ जो होता है बीच बीच में वूफिंग, वो हो सकता है अस्थमा की वजह से भी, निमोनिया की वजह से, सीओपीडी, ट्यूबरकुलोसिस और स्मोकिंग की वजह से भी, उसके लिए भाई साहब गले को ड्राई रखिए, पानी ज्यादा पीजिए, और वो भी ले सकते हो क्या नाम है सलाइन ड्रॉप्स, वो सारी चीजें याद रखना है। तो अगर आपको ऐसा, और एक और चीज है जिसका नाम है क्रूप, क्रूप मतलब वायरल इन्फेक्शन हो रहा है आपके बच्चों को, जो पांच छोटे बच्चों को था, पांच साल से छोटे बच्चों को क्रूप मतलब ऊपर नैरो हो जाती है एयरवेज, उसके वजह से कैरेक्टरी बार्किंग कफ होता है, बार्किंग छोटे बच्चों की बार्किंग टाइप कफ होती है, जैसे एक सील साउंड करता है, सील कैसे साउंड करता है जाके देख लीजिएगा, ऐसा हो रहा है, रेमिडीज हो रही है तो डॉक्टर को जरूर दिखाना है, बच्चों के डॉक्टर को दिखाना है, वो बाद में आपको अगेन वही नेबुलाइजर तो और वो सलाइन ड्रॉप्स ऐसी चीजें बताएंगे और साथ में जरूरत पड़ने पर दवाई देंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट कफ। प्लीज अगर आपको कफ है ज्यादा है तो आप अपने तरफ से खुद से जय हो दवाई मत लेना, हनी ले सकते हो, अदरक शहद ले सकते हो, बहुत सारा पानी ले सकते हो, स्टीम ले सकते हो, इससे आराम मिलता है, मुलेठी ले सकते हो, स्वालिन ले सकते हो, स्ट्रेप्सिल ले सकते हो, ये सब ले सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, मगर एंटीबायोटिक्स खुद से मत लेना, हाथ जोड़ के बिनती है। वायरस होगा तो एंटीबायोटिक काम नहीं करता, बैक्टीरिया होगा तो आपको पता नहीं है कौन सा एंटीबायोटिक देना है, गो एंड शो टू अ डॉक्टर। ओके ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कोरोना वायरस में कफ इज नॉट अ प्रिडोमिनेंट थिंग, फीवर 90% केसेस में होता है, कफ 30-40% केसेस में होता है, तो अकेला कफ है तो डरिए मत, और मॉनिटर करिए, हफ्ते भर में ठीक हो जाएगा, बुखार आता है, सांस फूलती है तो टेस्ट करा लीजिए, और कुछ नहीं करना है। थैंक यू सो मच, शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बाकी दो चैनल ढूंढ लीजिए हमारे। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।